हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल सुमित सर हर्षित एकेडमी। तो इस टॉपिक का ये फोर्थ लेक्चर है और ये इस चैप्टर का लास्ट थियरी का लेक्चर है। इसके बाद जो भी लेक्चर आप देखेंगे इसके बाद के, वो सभी एग्जांपल बेस्ड है। तो फर्स्ट लेक्चर से लेके ये फोर्थ लेक्चर तक के सारे वीडियोस देखने के बाद आप नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस मेरे एग्जांपल्स पे देखना। तो ये देखते हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर से लेके सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर तक हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक क्या है, वो सभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्लियर किया है। अब ये लेक्चर में हम जो लास्ट थियरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये हम लोग स्टडी करेंगे, राइट? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तभी देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने क्यों सीखी थी, क्योंकि दो लाइंस जो भी पैरेलल है उसके बीच का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से फाइंड करते हैं वो हमने देखा था। आई ए बी इक्वल्स टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। इसमें हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस में, यानी कि सपोज एग्जांपल लेते हैं कि परपेंडिकुलर किसको बोल रहे हैं ये लोग, परपेंडिकुलर एक्सिस को बोल रहे हैं। और कितने एक्सिस होते हैं? थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और अगर हम थोड़ा और डिटेल में आइंस्टाइन की थियरी सोचें तो उसमें फोर एक्सिस होते हैं, जो होता है टाइम, ठीक है? बट इसमें तो वो सब नहीं है। यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम स्टडी करनी है तो उसमें तीन एक्सिस हम लोग स्टडी करेंगे, एक्स, वाई एंड जेड। पर उसका लोकेशन आप देखना, मैं भी ड्रॉ करूँगा, लोकेशन पे ध्यान देना। मतलब कि बचपन से हम जिसको एक्स एक्सिस मानते आए हैं उसको कौन सा एक्सिस का नाम देना है, वाई को कौन सा नाम देना है, जेड को कौन सा नाम देना है। तो हम जो स्टडी करते आए हैं आज तक, उसमें ये एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस ही रहेगा। अब चेंज कहाँ पे है कि ये जो एक्सिस होता था उसको हम हमेशा जेड एक्सिस बोलते थे, बट यहाँ पे हम इसे वाई एक्सिस का नाम देंगे। थोड़ा छोटा करते हैं, क्लियर? इस पर फोकस करना ध्यान से। और ये जो परपेंडिकुलर है जिसे हम हमेशा वाई एक्सिस बोलते थे, बट यहाँ पे हम इसको जेड बोलेंगे। क्यों ऐसा? तो उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा ही क्यों किया है। अच्छा, दूसरी बात के सभी एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई, वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और इवन एक्स वाई प्लेन इज परपेंडिकुलर टू जेड, जेड एक्स प्लेन ये वाला इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, एंड y z प्लेन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अब ये जो भी हमने बनाया है इसमें तीन एक्सिस क्लियर होते हैं। अब तीन एक्सिस यानी कि आपका पूरा स्पेस बन गया। हम जैसे रूम का एग्जांपल है, हमारे रूम में भी ऐसा होता है, ठीक है? जैसे ये आपका लेंथ होता है, दिस वन हाइट आएगा आपके पास, और आपकी तरफ जो डायरेक्शन में जाएगा दैट इज ऑल्सो, यानी स्पेस आप ले लीजिए थ्री डायमेंशनल है। अभी इसी थ्री डायमेंशनल में हमने एक पॉइंट रखा है जिसको बुक्स में लिखते हैं लैमिना। सभी बुक्स में इसको लैमिना नाम दिया गया है। वाई, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने लैमिना का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है, वो भी आप लेक्चर देख लेना। बट इसमें लैमिना वर्ड का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट हैविंग, या तो द बॉडी हैविंग
सिंगल यानि कि वन या तो यूनिट थिकनेस, फिर से बोलता हूँ, बॉडी हैविंग सिंगल थिकनेस यानी यूनिटी थिकनेस, वन थिकनेस, या तो उसकी थिकनेस निगलेक्ट कर सकते हैं, सो इट विल बी ओनली टू डायमेंशनल, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे प्लेन, एक्चुअली बॉडी बड़ी है बट उसको डॉट से आपको बताना है, एक पॉइंट से। सो दिस पॉइंट आपका नाम, इसको नाम दे दो आप पी पॉइंट, कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने पी पॉइंट ले लिया। और इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो तीनों तीन एक्सिस से आपको फाइंड करना है। तो अगर आप एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा, लेट इट बी वाई। एक्स एक्सिस से पी पॉइंट का डिस्टेंस वाई है, वाई एक्सिस से पी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स है, याद रखना, उल्टा सुल्टा, एक्स का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स है, और जब जेड एक्सिस की बात करेंगे तो उसका डिस्टेंस है आर, ठीक है, उसका डिस्टेंस है आर। यानी इस तरह से ड्राइंग डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट में ऐसा समझाते हैं कि अगर आप एक्स एक्स एक्सिस लो और आप वाई वाई एक्सिस लो, जो दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर एक्स एक्स एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वाई वाई, तो जो जेड एक्सिस है जो ये दोनों के परपेंडिकुलर है उसका मोमेंट, सॉरी, जो जेड एक्सिस है जो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस से अगर आप पी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स है, वाई वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई है, और जो जेड एक्सिस है उससे अगर आप पी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो वो बन जाएगा आई जेड जेड, और उसे हम लिखेंगे किस फॉर्म से, दैट आई जेड जेड इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये जो मैंने लिखा वो स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, स्टेटमेंट तो नहीं बोल सकते बिकॉज ये फॉर्मूला बेस्ड है पूरा, बट आपको स्टेटमेंट इस तरह से याद रखना है, स्टेटमेंट लिखता नहीं हूँ मैं, आप समझना इंपॉर्टेंट है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता क्या है। फिर से बोलता हूँ ध्यान से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो पी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स एक्सिस से होगा आई एक्स एक्स, वाई वाई एक्सिस से होगा आई वाई वाई, और जेड जेड एक्सिस से होगा आई जेड जेड। तो उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट। अब प्रूफ की बात करें तो प्रूफ की बात स्टार्ट करने से पहले लेट अस रिवाइज द पाइथागोरस थ्योरम विच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो जो भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसी पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे कहीं राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, दिस ऑल आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। क्यों, देखो ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस लिया है वाई वो एक्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, भले आपको ड्राइंग में ऐसा दिखता है कि इट इज नॉट 90 डिग्री बट ये क्या है, थ्री डायमेंशनल स्पेस हमने बनाया है, इसलिए ये हमने ऑलरेडी 90 डिग्री पे ही लिया है। बट ये 90 डिग्री कैसा है कि भाई एक्स वाई वाई एक्सिस के पैरेलल बनाया है, और ये जो है वो एक्स एक्स के पैरेलल बनाया है, इसलिए आपको दिखने में ऐसा लग रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात कि आपको अगर आर की वैल्यू फाइंड करनी है
या आर का फॉर्मूला फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए कोई भी एक ट्राइंगल ले लो। सपोज मैं ट्राइंगल लेता हूँ ये वाला, दिस वन ट्राइंगल, राइट। अब ये ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, अब ये ट्राइंगल में ये आर है और ये एक्स है, और ये जो है डिस्टेंस वो कितना होगा, वाई, बिकॉज ये वाई है तो इसके पैरेलली ये भी वाई होगा, ये भी वाई चलेगा, यानी ये भी आपका वाई हो गया, और यही वाई मैं यहाँ पे शो करूँगा। और आप बोलेंगे कि सर दिस इज़ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, वाई, बिकॉज ये देखो एंगल का साइन, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसको भी थोड़ा अच्छे से फॉर्म में लिख देते, आपको टू डायमेंशनल के फॉर्म में मैं समझा देता हूँ तो उससे आपको थोड़ा ईजी लगेगा। ये y है और ये एंगल है 90 डिग्री। अब आप में आपको इसको r की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसके लिए पाइथागोरस अगर थ्योरम लगाते हो तो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो सबसे बड़ी साइड है, तीनों साइड्स में से जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करना है, इक्वल टू लिखना है, और उसके बाद जो बाकी की बची साइड्स है, रिमेनिंग साइड्स, उसका आपको स्क्वायर भी करना है और प्लस भी करना है। तो ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम फॉर पर्टिकुलरली दिस ट्राइंगल। उसी तरह से आप ये जो ट्राइंगल जो वाइट रह गया है उसका भी आप फाइंड कर सकते हैं, वन एंड द सेम यही फॉर्मूला आने वाला है, क्लियर, ओके। अब दूसरी एक बात समझते हैं कि आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन है जो मेरे लेक्चर नंबर 1 में अवेलेबल है उसको आप थोड़ा फिर से समझो कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, या उसको क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, राइट। इस तरह का हमारा डेफिनेशन है, देखिए लेक्चर नंबर 1 देखो तो कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू एरिया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर तो हमको पता लग गया, बट यहाँ पे कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, वन आई दिख रहे हैं आपको, आई देखने कितने आई है, 1 2 3 तीन आई है, यानी तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो पहले एक्स एक्स को सॉल्व करते हैं, तो पहले मैं आई एक्स एक्स लेता हूँ, तो आई एक्स एक्स की बात करें सो एरिया हम लोग लेंगे डी ए स्टैंडर्ड, क्यों डी ए, एरिया इज ऑफ दिस पी पॉइंट, इस पी पॉइंट का एरिया है जो बहुत ही छोटा है इसलिए मैंने डी यूज़ किया है, ए फॉर एरिया मैंने डी यूज़ किया है। और दूसरा डिस्टेंस का स्क्वायर, अब आप सोचो एक्स एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे यानी कि हॉरिजॉन्टल वन ये, तो उसमें डिस्टेंस क्या आएगा, किसका डिस्टेंस, तो भाई पी पॉइंट का डिस्टेंस, एक्स एक्स एक्सिस से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, वाई, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वाई स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। एक्स एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पी पॉइंट से कितना है, वाई। उसी तरह से y y एक्सिस का डिस्टेंस p पॉइंट से कितना है, कितना है, x, तो यहां पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर। उसी तरह से z z एक्सिस का डिस्टेंस p पॉइंट से कितना है, तो आएगा da इंटू आर स्क्वायर, क्लियर। क्यों, देखो जेड जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ये है, पी पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना है, आर, राइट,
तो r का r तो हमने लिख दिया, बट आप देखो r स्क्वायर की वैल्यू ये है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस ट्राइंगल या पाइथागोरस थियरम, तो उसके हिसाब से r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे रिप्लेस करते r स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सिंपल r स्क्वायर विल बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब फिर से आप देखो dA को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में हम y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आएगा dA x स्क्वायर प्लस dA y स्क्वायर, क्लियर। नाउ व्हाट इज dA x स्क्वायर, देखो ये राइट, व्हाट इज dA x स्क्वायर, इट इज आई वाई वाई, तो यहां पे मैं लिख दूंगा आई वाई वाई। नाउ व्हाट इज dA आई वाई स्क्वायर, सॉरी dA y स्क्वायर, इट इज आई एक्स एक्स, तो यहां पे मैं लिख दूंगा आई एक्स एक्स, ये हो गया आई जेड जेड, ये लिखा सेम, यानी ये हमारा एक स्टेटमेंट बना, सॉरी फॉर्मूला के बेस पे हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम बन रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि एक्स एक्स पहले लिखा है और वाई वाई बाद में लिखा है, यहाँ पे वाई वाई पहले है एक्स एक्स बाद में, तो वन एंड द सेम, बिकॉज यहाँ प्लस की साइन है तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं आई वाई वाई एंड यहाँ पे आई जेड जेड, राइट। सो दिस इज द फाइनल प्रूफ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो ये भी बहुत काम की है, बट न्यूमेरिकल्स यानी कि जो एग्जांपल्स है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ज़्यादा पूछते हैं, और वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने डिटेल में थर्ड लेक्चर में यानी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसको भी देख लेना। फोर लेक्चर्स टोटल, इसको लेक्चर को मिला के चार लेक्चर्स थियोरी के हैं, चारों चार देखना, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो आपको अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कोई डाउट कोई डिफ़िकल्टी यू आर मोस्ट वेलकम कमेंट बॉक्स या मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरा पर्सनल ऑफलाइन ट्यूशन क्लास भी चलता है, तो आपको जो भी एडमिशन इंक्वायरी चाहिए, एडमिशन्स की इन्फॉर्मेशन है, तो भी आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।